आखिरकार भाई मैं कह सकता हूँ कि ऑनलाइन अप्रॉक्स 2 हफ्ते बाद रवि को होश आ गया है। रवि को होश आने के बाद उसकी मम्मी जाकर बात बात करती हैं एंड यहाँ पे कोशिश तो भरपूर थी कि प्रतीक्षा के खिलाफ किसी न किसी तरीके से वो भड़का सके, लेकिन नहीं हो पाया। रीजन, बीजी वहां पर थी, बीजी ने उस चीज को संभाल लिया, उस बात को संभाल लिया। प्लस जो चाची, हाँ चाची, ठीक है, उन्होंने भी भाई बात को घुमा दिया, बड़ी मस्त तरीके से दिखाया बात तो भाई मुझे वो देख के अच्छा लगा कि इस तरीके से चीजें दिखाई गई, इस तरीके से किया गया सब कुछ, कि इंटरेस्टिंग बना शो। इस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद जो अगली चीज मुझे बड़ी मतलब हैरानी हुई लगी कि प्रतीक्षा बार बार क्यों बेहोश हो रही है। रीजन क्या है इसके बेहोश होने के पीछे का? सबसे बड़ी बात है कि एक बंदा इतने बार मतलब इतनी टाइम नहीं बेहोश होता ना, लेकिन ये बेहोश हो रहा है। चलो हो रही है, सॉरी, लेकिन भाई इसी बेहोशी की वजह से वो बच जाती है वाइपर से। अब क्या होता है, वो बच जाती है, रवि के पास जा रही होती है। दूसरी तरफ काव्या वाइपर से बात कर रही होती है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बताओ 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 बताओ, प्रतीक्षा की प्रतीक्षा 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 बची मरी बची कोई किस काम आओगे तुम? फिर भाई इसे बेटा वाइप 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 मार दूंगी, ले भाई बंदूक मार, फिर हिम्मत नहीं हुई। यही सब चीजें थी, सिंपल सा। कुछ ज्यादा हमें एक्स्ट्रा नहीं देखने वाले, कुछ अच्छा और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं देखने को मिला। ठीक है, बस इंटरेस्टिंग चीज कभी जब प्रतीक्षा वहां पर आ जाती है, और वहां पर आने के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिला कि उसे सब कुछ देख लिया, वो कैसे वाइपर के साथ हाथ मिला रही है, और फिर वो आके यहाँ पे क्वेश्चन करती है। लेकिन वाइपर का क्या है, वाइपर भाई साहब सामने से चला जाता, ठीक है, उसका काम होता। तो वहां पर जब से जा रहा था तभी उसका जो साथी होता है वो बोलता है कि ये वाइपर कैसा वाइपर है, इससे सब लोग डरते थे, ये अब इससे कौन डरेगा, जो मतलब जिसने अपने बाप को मारने वाले को छोड़ दिया। ठीक है, फिर दूसरी बात भाई साहब, जिस लड़की ने उनको नचाया उसको छोड़ दिया, ये सब कुछ हो गया। कैसे उसको छोड़ दिया, कैसे ये मतलब नॉर्मल सही ये सब होगा, कैसे ये चीजें कैसे हुई, ये सुनकर वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वाइपर वो क्या करता है, वो देव घूसे देव घूसे देव घूसे देव घूसे देव घूसे देव घूसे घूसे पे घूसे घूसे पे घूसे घूसे पे घूसे मारता है उस लड़के को जो उसके साथ होता है। अब क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पर इसकी वजह से भाई वो बंदा बेचारा बहुत ज्यादा चोट खा जाता है। लेकिन यहाँ पे वाइपर का हमें एक चीज देखने को मिली कि वो बंदा ईगोइस्टिक है, अगर उसके ईगो पर उसके साथ वाला बंदा क्वेश्चन मार्क खड़ा करेगा तो वो भड़क जाएगा, कोई और खड़ा करेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही वो थूक के चाट ले, ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ में किसी बंदे ने बात कही तो वो भड़केगा, बहुत ज्यादा भड़केगा। ये चीज थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो अगली चीज थी वो ये कि भाई प्रतीक्षा फिर से हमें नजर आई कि वो कैसे बात कर रही है, सामने फेस कर रही है, भाई क्या है क्या बताओ 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 बताओ, सिर्फ बोल से झूल क्या है। लेकिन वो यहाँ पे बात पूरी नहीं हो पाती, वो हमें कल के एपिसोड में देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से भाई प्रतीक्षा हमें दिखाई दी है काव्या के सामने ये बात रखते, वो सही नहीं था। यहाँ पे प्रतीक्षा को बात सुननी चाहिए, तो जाके वो जाके सबके सामने तमाशा मारती कि ये है क्या, इसी काव्या ने वाइपर को करा था, मैंने अपनी आंखों से भी देखा है, सबके सामने हॉस्पिटल में वो मेरे पीछे पड़ा था, अभी मैंने इसको देखा, हाथ मिला के उससे बात करी थी, उससे बात कर रही थी कि मतलब जैसे उसको मारो मोरू जो भी है वो सारी बातें मैंने सुनी, और ये हुआ है यहाँ पे बात सामने से देखने में फिर मजा आता है। लेकिन यहाँ पर वो ऐसा किया नहीं, प्रतीक्षा ने जाके उसको फेस कर लेता, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन प्रतीक्षा का आज के पूरे एपिसोड में जो कैरेक्टर था, जिस तरीके से उसने आज एक्टिंग की, परफॉर्म किया, वो बहुत ज्यादा अच्छा था। मैंने एक बात कही ना कि इस भाई कैरेक्टर में एक सबसे बड़ी कमी ये है कि इस कैरेक्टर को कोई इमोशनल सीन दे दिया, थोड़ा सीरियस सीन दे रहे वो नहीं संभाल पाता, वो सूट नहीं करता। लेकिन अगर इसी कैरेक्टर को थोड़ा सा एक डिफरेंट रूप दे दे, मतलब जैसे कि एक कॉमेडी टाइप का ले ले, या फिर थोड़ा सा ऐसे कि जाके किसी को कन्फ्रंट कर रही है, इस टाइप का रोल बहुत मतलब जो एक्सप्रेसिव एक्टिंग होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ये चीज मुझे अच्छी लगी। सो अब देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है, क्योंकि हम लोग 2 दिनों से यही देख रहे कि रवि गुस्से में आके प्रतीक्षा को मुक्का मारने वाला होता है। तो अब इसके पीछे क्या कारण है क्या नहीं, क्योंकि हमने देखा कि रवि जैसे उठता है वो प्रतीक्षा के बारे में पूछता है, लेकिन उसको एकदम से क्या होगा कि वो प्रतीक्षा पे हाथ उठाने लग गया। ये भी देखना मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ऐसा क्या हुआ क्या नहीं। बाकी अब
देखते हैं रवि आया है तो रवि के आने से क्या कहानी में थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग कुछ होता है या नहीं होता। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और आने वाले एपिसोड को लेकर आपको क्या लगता है भाई, आखिर रवि ने का प्रत्यक्ष के ऊपर हाथ क्यों और किस लिए उठाया, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट।